आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सिग्नेचर्स। व्हाट आर सिग्नेचर्स? तो सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर एक आपकी आइडेंटिटी होती है। इट इज अ मिरर ऑफ योर पर्सनालिटी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, वो आपको बाहर दिखाता है कि आप कैसे हो। और आपके सिग्नेचर्स में वो सारे ट्रेड्स आ जाते हैं अपने आप, जब आप किसी से बात करते हो या कैसे बात करते हो, क्या आपका बिहेवियर है, क्या आपका जो इंक्लिनेशन है वो ग्रोथ की तरफ है या आप सेबोटेज की तरफ जा रहे हो या अपने आप को ही किल कर रहे हो। ओके आपका जो थॉट प्रोसेस है, रिलेशनशिप्स है, आपका जो हेल्थ है, फाइनेंसेस है, सोशली आप कितने कनेक्टेड हो, वो सब कुछ आपका सिग्नेचर बताता है, राइट? तो पहले भी होते थे जो सिग्नेचर्स होते थे, वो किस तरह से होते थे? पहले तो बहुत पहले की अगर जमाने की हम बात करें तो सिग्नेचर्स तो नहीं होते थे। हाँ, सील्स होती थी तब, राइट? सील होती थी, कोई डॉक्यूमेंट को सील करना है या आपको उसके ऊपर थप्पा लगाना है, उसको हम सील कहते थे। तो पहले जितने भी बड़े बड़े रॉयल वो होते थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनपे भी सील लगा करती थी, मोहर जिसे कहा जाता था। फिर अंगूठा लगना शुरू हुआ। अब जब से लिटरेसी आई है तो ज्यादातर लोग साइन करते हैं, लेकिन आज भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पर या प्रॉपर्टी के होते हैं डॉक्यूमेंट, उन पर भी आज भी थंब इम्प्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि थंब इम्प्रेशन हमारा बेसिक इम्प्रेशन होता है, ये चेंज नहीं होता है। सिग्नेचर्स आपके थॉट के हिसाब से थोड़े चेंज हो जाते हैं, ठीक है? किसी ने मुझसे पूछा था एक्चुअली कि हम थंब क्यों लगाते हैं जब हमें सिग्नेचर्स करने आते हैं, तो उसका रीजन यही है क्योंकि ये थंब की जो लाइंस है ये आपकी चेंज नहीं होती है, ये ऐसी ही रहती है। तभी तो यूनिक होता है ना थंब इम्प्रेशन सबका, और सिग्नेचर भी यूनिक होते हैं, लेकिन हमारे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाते, ठीक है? तो आज हम क्या सीखने वाले हैं बेसिकली, कि आपके सिग्नेचर्स होने कैसे चाहिए ताकि आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको ग्रोथ मिले, पॉजिटिव एटीट्यूड्स हो, राइट? तो आप लोगों को क्या लगता है आपके सिग्नेचर्स कैसे हैं? आप लोग सब अपने पेपर पे, कल आपने बहुत लोगों ने सिग्नेचर्स किए थे, राइट? है ना? तो अपने वो सिग्नेचर्स बाहर निकालिए, आज हम उनपे थोड़ा खुद भी काम करेंगे और मैं आपको और क्लैरिटीज देती जाऊं। सबने ले लिए अपने सिग्नेचर्स? यस मैम। ग्रेट। अब हम एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये छोटा सा है, हम इसके ऊपर ज्यादा थोड़ा देखेंगे अभी और उसके बाद फिर विल गो ऑन द नेक्स्ट पार्ट। सिग्नेचर्स हमेशा क्लियर होने चाहिए, उसका रीजन है। देखिए मैं आपको साथ साथ रीजन भी बताऊंगी कि अगर मैं आपको मना कर रही हूँ कि ये काम नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। यू शुड ऑलवेज बी इंक्विस्टिक, है ना? तो आपका जो सिग्नेचर है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपके गोल और आपका जो पाथ है जो आप चूज करने वाले हो उसकी क्लैरिटी देता है। इट शुड बी रीडेबल। क्यों रीडेबल होना चाहिए? कई लोग बहुत स्मज कर देते हैं, एक दूसरे में मिक्सअप कर देते हैं, और कुछ लोग बहुत एकदम सिंपल लिखते हैं। तो जो सिंपल लिखते हैं उनके जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत क्लियर होता है, उन्हें पता होता है उन्हें क्या करना है, ठीक है? जिनके सिग्नेचर्स रीडेबल होते हैं वो लोग मैनिपुलेटिव नहीं होते। एक फ्री फ्लो होना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हम सिग्नेचर्स करते हुए कभी पेन का फ्लो कहीं हमारा एकदम स्मूथ होता है, कहीं पर रुक के होता है, हम हाथ उठा के करते हैं। तो कोशिश कीजिए जितना फ्री फ्लो आपका सिग्नेचर होगा उतनी ज्यादा आपकी लाइफ भी स्मूथ और फ्री फ्लो चलेगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी पर्सनैलिटी का मिरर है, इट रिप्रेजेंट्स योर पर्सनैलिटी एंड द वे यू लिव योर लाइफ। यहां तक Yes, सबको क्लियर है? it's clear. ग्रेट ग्रेट। तो नाउ अब हम आगे चलेंगे। आपके सिग्नेचर्स में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है नाम और एक होता है सरनेम। तो आपके सिग्नेचर में हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं,
आपके थॉट प्रोसेस क्लियर है, आपका स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ है। कुछ लोग होते हैं ना कि अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है कि मैं पता नहीं कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, तो उसको कहते हैं सेल्फ बिलीफ। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस आता है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ होता है, आपके एम्बिशंस बिग होते हैं, ओके और ये आपकी बोल्डनेस भी शो करता है। यहाँ पर रिस्क टेकिंग जो कहते हैं ना हम कि बिजनेस में रिस्क टेकिंग होती है, या आप जिस तरह से अपने आप को देख रहे हो, वो सब चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब नाउ ये मैंने जान पूछ के यहाँ अंशु और अग्रवाल के बीच में गैप रखा है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, राइट? और ये गैप क्यों है, इसका मतलब है कि अंशु एक स्पेस चाहती है अपने परिवार से, ये मैं हूं। अंशु इज अ पर्सन जो साइन कर रहा है, अग्रवाल इज द कंप्लीट फैमिली, तो यहां पर क्या है, ये अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती है और अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर। यहां तक क्लियर है? नाउ द सेकंड थिंग, अब अगर मैं अपना साइन सिर्फ ये करती हूँ, नेम एंड सरनेम के ओनली इनिशियल्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आई डोंट वॉन्ट कि मैं ज्यादा शो ऑफ करूं, आई लाइक सिंप्लिसिटी, ज्यादा अपने बारे में दूसरों को नहीं बताना, ठीक है, चीजों को छुपा के रखना, छुपा के मतलब जितना जरूरत है उतना ही देना, लेकिन जबरदस्ती अपने आप को एग्जैजरेट करके नहीं बताना। अगर हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं, इसका मतलब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वी डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स टू इंटरफियर इन आर लाइफ, एज एन इंडिविजुअल वी सी आवरसेल्फ, ठीक है, अब आता है कि अब अगर ये नाम है मेरा, मैंने फर्स्ट लेटर भी बड़ा लिख दिया, अब मुझे इसके साथ अग्रवाल लिखना है, एंड अंशु के साथ मैंने ऐसे लिख दिया A-A-R-W-A-L, जस्ट थिंक इट एज अ सिंगल वन, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस लूप। एक इनिशियल लेटर लिखती हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ए लिखा, अब मेरे को एक और अग्रवाल लिखना है, अब इसमें मैं आपको दो तीन ट्रेड्स यहीं पर बता देती हूँ। पहले तो मैंने क्या किया, इनिशियल लेटर लिखा अपने नाम का, उसके बाद मैंने अग्रवाल का एक बड़ा सा लूप बना के GARWAL लिखा, ओके? तो इसका मतलब है कि मैं अपनी फैमिली के अंदर कुकून में रहना चाहती हूँ, फैमिली सपोर्ट के साथ फैमिली के अंदर रहना चाहती हूँ, बिकॉज सरनेम हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली, और इंडिविजुअलिटी मेरी है लेकिन फिर भी वो फैमिली के साथ है। हाँ, यही अगर ये मैं इसको यहाँ छोटा लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि फैमिली के अंदर रहते हुए मैं अपनी आइडेंटिटी को कम समझती हूँ, यहाँ पर मैं बोल्ड नहीं हूँ, राइट, उसी कुकून में रहना चाहती हूँ, वो तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर मेरी जो सेल्फ वर्थ है वो कम है, मैं खुद ही सेल्फ वर्थ अपनी कम समझती हूँ। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, क्यों कैपिटल होना चाहिए और अगर आप स्मॉल लिखते हैं तो क्या उसका इफेक्ट आता है, ये मैंने अ यहाँ लिखा या मैं इस अ को यहाँ लिख रही हूँ, और ए एन एस एच यू ऊपर लिख रही हूँ, इसी की लाइन को ऊपर ले जाके, इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट हिंदी एंड इंग्लिश, दैट इज हिंग्लिश, राइट, इन जनरल हम यही करते हैं ना। इसका मतलब है कि ये जो है अंशु है ये क्रिएटिव है, लव टू बी कॉल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ओके,
अब अगर मैं देखूं तो मेरे नाम में अगर मैं सिर्फ हिंदी में करती हूँ, देखिए मैं इंग्लिश हिंदी आपको दोनों इसलिए बता रही हूँ, और ये हर लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई होती है ये चीज। अभी मैं अंशु लिख रही हूँ हिंदी में, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आर्टिस्टिक बना दिया। अभी न अंक की जो बिंदु है उसकी जगह मैंने हार्ट बना, ये भी क्रिएटिविटी को दिखा रहा है। यहाँ पर कभी कुछ लोग यहाँ ये नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर हार्ट बना देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने दीपिका पादुकोण का कभी सिग्नेचर देखना, और हार्ट्स यूज करती है, तो दे वांट टू बी डिफरेंट। आप कोई भी सिग्नेचर चाहे हिंदी में करो इंग्लिश में करो, इट्स ऑल गुड। बस कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके